आदाब, आप देख रहे हैं जी सलाम डिजिटल, आपके साथ में हुरम खान। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ढहा दिया जाएगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो महज 12 सेकंड में 32 मंजिला इमारत जमींदो हो जाएगी। आपको बता दें कि इस मुतालिक 19 अगस्त को नोएडा ऑफिसर्स की ट्विन टावर को ढहाने को लेकर एक मीटिंग हुई थी। इसमें फैसला किया गया था कि टावर ढहाने से पहले टावर के आसपास बनी सोसाइटी जैसे एमराल कोर्ट और एटीएस विलेज में रहने वाले लोगों को सुबह ही अपने अपार्टमेंट खाली करने होंगे। दोनों हाउसिंग सोसाइटीज में करीब 7,000 परिवार रह रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से कहा गया है कि घर से निकलते वक्त गैस को जरूर बंद करें और बिजली के मेन स्विच को भी बंद कर दें। विस्फोट से पहले आसपास की सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान टावरों की सुरक्षा कर्मी भी तैनात होंगे। टावर को ढहाने के लिए खास तजवीज तैयार की गई है जिसके बारे में भी आपको बताते हैं। इस 32 मंजिला इमारत को ब्लास्ट कर जमींदो करने वाले एडीएफ और साउथ अफ्रीका के जेट कंपनी के चीफ इंजीनियर का कहना है कि इसमें कुल 9,640 होल्स किए गए हैं जिसमें तकरीबन 3,700 किलो बारूद को लगाया गया है। एक होल में उतना ही बारूद भरा गया है कि वो एक कॉलम को सही तरह से तोड़ दे। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो महज 12 सेकंड में ये 32 मंजिला इमारत जमीन हो जाएगी। इससे जुड़ी कुछ और जानकारी भी आपको दे देते हैं जो आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। ब्लास्ट के वक्त दोपहर 2:15 से 2:45 तक नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद रखा जाएगा। इस दौरान महामाया फ्लाईओवर से रूट को डायवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा आसपास की कनेक्टिंग सड़कों को भी बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं और पुलिस बल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ट्विन टावर को ढहाने के बाद सीबीआरआई की टीम आसपास के टावरों का एग्जामिनेशन करेगी। अगर टावर महफूज रहे और किसी तरीके की कोई भी कमी नहीं पाई गई तो लोगों को बिल्डिंग में जाने की इजाजत मिलेगी। आपको बता दें कि लिफ्ट को पहले खाली चलाकर उसकी जांच की जाएगी, बिजली की जांच की जाएगी, गैस कनेक्शन चेक किए जाएंगे, टावर के पिलर की जांच की जाएगी, फिर कहीं जाकर मकामियों को अपने घरों में जाने की इजाजत दी जाएगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप देखते रहें जी सलाम डिजिटल।